नमस्कार। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का स्वागत है। तो आइए इस दिवाली पे हम सालू जी से कुछ बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है सालू जी। धन्यवाद शर्मिला जी। सालू जी, क्या आप बता सकती हैं दर्शकों को कि दिवाली शब्द का अर्थ क्या है? वास्तव में दिवाली दीपावली का एक तद्भव रूप है, जो संस्कृत के शब्द दीपावली ह दीप धन अवली ह से बना है, अर्थात दीपकों की पंक्ति। अच्छा सालू जी, हमें ये बताइए कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं? दीपावली का इतिहास रामायण से जुड़ा हुआ है। जब श्री रामचंद्र जी रावण को मारकर माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या वापस लौटे, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत हेतु संपूर्ण अयोध्या को दीप जलाकर रोशन किया था। तभी से दीपावली अर्थात दीपों का त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, तो आप ये बता सकती हैं हमें कि हम ये दीपावली कब मनाते हैं? पद्म पुराण व स्कंद पुराण के अनुसार दीपावली एक सनातनी त्योहार है, जो हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को विशेषतः हिंदू सिख जैन और बौद्धिस्ट द्वारा मनाया जाता है। तो क्या आप ये जानती हैं कि भारत के लोग दिवाली कैसे मनाते हैं? इस दिन हम सब अपने आसपास हर जगह को दीपों से रोशन कर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, कि हे प्रभु, हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलें, और पटाखे जलाकर व मिठाइयां खिलाकर खुशियां मनाते हैं। तो क्या आप हमें ये जानकारी दे सकती हैं कि किन किन देशों में दीपावली मनाई जाती है? भारत के साथ साथ श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, मॉरिशस, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, सूरीनाम, नीदरलैंड, कनाडा तथा अन्य कई देशों में दिवाली मनाई जाती है। सच है, हमारा भारत महान और हमारी परंपरा महान। तो इसी के साथ एक बार फिर से सालू जी, आपको और समस्त दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, मेरी तरफ से भी शर्मिला जी आपको व मेरे समस्त चाहने वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, ज्ञानवान रहें। धन्यवाद। नमस्कार।